भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया पहला टेस्ट मुकाबला। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा, सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली का आया तूफान। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की उड़ाकर रख दी धज्जियां। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा खुशी से उछल रहे थे जब हमारी भारतीय टीम श्रीलंका से 3 ODI के मुकाबले हारी थी, लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ऐसा सोच रहे थे कि जिस तरीके से श्रीलंका की टीम ने भारतीय टीम को खदेड़ दिया था, उस तरीके से हम भी यहाँ पर बांग्लादेशी के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज भारतीय टीम को 150-200 रनों के भीतर पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ढर कर देंगे। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सबसे बड़ी भूल बेवकूफ़ी रही। रोहित शर्मा, सरफराज खान, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर शायद आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए और उनको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि आखिरकार ये कैसे खतरनाक विस्फोटक शेर हैं जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं। बांग्लादेश के तो कुछ गेंदबाज जैसे थे जो दौड़कर सूर्य कुमार यादव का और यहाँ पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। सरफराज खान ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को इसका दर्द होया कि वो सातों जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। पहले टेस्ट मुकाबले का हाईलाइट रोमांचक मुकाबला आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच जब दोस्तों पहले टेस्ट मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और हमारी भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा और उनका साथ देने के लिए यशस्वी जायसवाल मैदान पर ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से 3 छक्के और 3 गगनचुंबी चौके ठोक दिए और काफ़ी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में शुरुआत की। तो वहीं यशस्वी जायसवाल भी कहाँ किसी से पीछे रह जाने वाले थे। यशस्वी जायसवाल ने भी विराट कोहली की तरह बल्ले को लहराते हुए दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 छक्के और 1 गगनचुंबी चौका भी ठोक दिया। घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। तो वहीं हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा ने 5वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। रोहित शर्मा की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान का माथा चकरा गया। बांग्लादेश के गेंदबाज समझ चुके थे कि रोहित शर्मा आज कुछ तो कहर भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले हैं। रोहित शर्मा तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को लेकर के 7वें ओवर की 2री बॉल पर भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा जब तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल कैच आउट का सामना कर बैठे। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सरफराज खान आए। जी हाँ, वो सरफराज खान जिसने सरफरे तरीके से मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को इस कदर धोया कि वो 7 जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। सरफराज खान ने दोस्तों 8वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 5 छक्के और 1 चौका ठोक दिया। तो वहीं 9वें ओवर की 6 गेंदों पर रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बरसों साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 9वें ओवर की 6 गेंदों पर रोहित शर्मा ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक करके बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर ख़त्म कर दिया और आज से 270 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सरफराज खान और रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे।
बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार रोहित शर्मा सरफराज खान के सामने गेंदबाजी करें तो करें कैसे। दोस्तों 12वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके सरफराज खान ने फिर ठोक दिए, तो वहीं 13वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 5 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का घातक विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ठोक दिया। दोस्तों तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान ने यहाँ पर 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। दोस्तों सरफराज खान ने 17वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियाँ उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके रोहित शर्मा ने फिर ठोक दिए। सरफराज खान का माथा चकरा गया और सरफराज खान काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। सरफराज खान ने 19वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 चौके फिर ठोक दिए। सरफराज खान की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान का माथा चकरा गया। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों इन खतरनाक विस्फोटक शेरों ने इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का सामना करें तो करें कैसे। रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 20वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके फिर बेहतरीन तरीके से ठोक दिए, तो वहीं भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे सरफराज खान ने बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी। 22वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 5 छक्के और 1 चौका यहाँ पर सरफराज खान ने फिर ठोक दिया, लेकिन दोस्तों 23वें ओवर की 4th बॉल पर भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा। 23वें ओवर की 4th बॉल पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान जब कैच आउट का सामना कर बैठे। सरफराज खान ने काफ़ी बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 155 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। सरफराज खान जब आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी मैदान पर तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यहाँ पर विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। विराट कोहली वो तूफानी वो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जिसने बड़े से बड़े रिकॉर्ड पल भर में तोड़े हैं। विराट कोहली ने मैदान पर उतरते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जिया उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विराट कोहली का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। विराट कोहली की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। विराट कोहली का बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा था। 25वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार विराट कोहली ने 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए, तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा काफ़ी आक्रमण और विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान का माथा चकरा गया। पहले टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों के आगे गेंदबाजी करें तो करें कैसे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यहाँ पर रोहित शर्मा एक दूसरे की मदद से काफ़ी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। यहाँ पर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का सामना करें तो करें कैसे। दोस्तों रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए काफ़ी घातक विस्फोटक तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज के परखच्चे उड़ा दिए। रोहित शर्मा ने 28वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेयर आप सभी को बता दें हार्दिक पांड्या की तरह बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने यहां पर 29वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 5 छक्के और 1 चौका ठोक दिया। विराट कोहली का भी बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। विराट कोहली इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे मानो तूफान सा आ गया हो। बांग्लादेश के गेंदबाज दौड़कर विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला चेक कर रहे थे कि आखिरकार इन दोनों के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों 31वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके विराट कोहली ने फिर ठोक दिए, तो वहीं 32वें ओवर की पहली बॉल पर 1 चौका यहाँ पर रोहित शर्मा ने ठोक दिया। 32वें ओवर की दूसरी बॉल पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 32वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए यहाँ पर स्ट्राइक अपने पास रखी। रोहित शर्मा ने 32वें ओवर की 5वीं बॉल पर फिर छक्का ठोक दिया और 6ठी बॉल पर फिर एक कवर ड्राइव कर चौका लिया। यहाँ पर 33वें ओवर की पहली बॉल पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक
घातक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली ने यहाँ पर तूफानी विस्फोटक तरीके से 34वें ओवर की दूसरी बॉल पर छक्का ठोक दिया। 34वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया और स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दी। रोहित शर्मा ने 34वें ओवर की बची तीन गेंदों पर लगातार तीन छक्के ठोक दिए। 35वें ओवर की पहली बॉल पर 113 मीटर लॉन्ग छक्का यहाँ पर विराट कोहली ने ठोक दिया। 35वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। 35वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर दो रन लिए विराट कोहली ने और स्ट्राइक अपने पास रखी। विराट कोहली ने 35वें ओवर की पांचवीं और छठी बॉल पर लगातार दो छक्के फिर ठोक दिए। तो वहीं दोस्तों यहां पर 36वें ओवर की छह गेंदों पर लगातार गगन चुंबी छह छक्के रोहित शर्मा ने फिर ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को क्या हो गया है जो इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ के विराट कोहली पहले टेस्ट मुकाबले में 125 रन ठोककर के आउट हुए। दोस्तों जैसे विराट कोहली यहां पर 40वें ओवर तक आउट हुए, मैदान पर विकेटकीपर केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आ गए। जी हां दोस्तों, वही तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेटकीपर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं दोस्तों 42वें ओवर की तीसरी बॉल पर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जब हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए। रोहित शर्मा जैसे ही आउट हुए भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया। रोहित शर्मा वो तूफानी वो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर विकेटकीपर केएल राहुल का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 45वें ओवर की छह गेंदों पर लगातार चार छक्के दो चौके ठोक दिए। तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने बदला लेने के लिए इन बांग्लादेश की गेंदबाजों को धो डाला और यहां पर 48वें ओवर की छह गेंदों पर लगातार गगनचुंबी छह छक्के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। रिंकू सिंह ने 49वें ओवर की छह गेंदों पर लगातार तीन छक्के तीन चौके ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सूर्य कुमार यादव और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। ये दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से विकेट चटकाते हुए जा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या तो वहीं विराट कोहली तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज। आप सभी को बता दें जब दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाज जसप्रीत जायसवाल जैसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आउट हुए तो यहां पर मोहम्मद सिराज ने 41 रन ठोके, 32 रन तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज कुलदीप यादव ने ठोके और यहां पर 14 रन रवि बिश्नोई ने ठोके और यहां पर हर्षदीप सिंह ने भी 31 रन ठोक दिए। यहां पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने यहां पर रिंकू सूर्या के आउट होने के बाद मैदान पर काफी देर तक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और मोर्चे को संभाला। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ने पहले टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश के गेंदबाजों